हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आपके मिड टर्म पोर्शन में तीन चैप्टर्स हैं जिनके नेम हैं चैप्टर 4 द सैंडी रोड, चैप्टर 5 इंडिपेंडेंस डे और चैप्टर 7 राम एंड द क्वीन। तो चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 4 की, द सैंडी रोड की। ठीक है, ये आपका मिड टर्म पोर्शन है। ये है बच्चों आपका पेज नंबर 34 पर। ठीक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे और बुक वर्क भी जब मैं कराऊंगी तब साथ साथ ही फिल करेंगे। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्ट को देखते हैं बच्चों। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। गिवन बिलो मीन्स जो नीचे दी गई। लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो। किन पिक्चर्स को? इन वाले पिक्चर्स को। ठीक है, देखो। द कैप्टन्स ऑफ द टीम्स आर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू देयर टीम मेंबर्स। जो टीम का कैप्टन है, कप्तान है, वो अपने टीम के मेंबर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ठीक है, कुछ बातें बता रहा है। इट इज़ द जॉब ऑफ द कैप्टन। ये कैप्टन का काम होता है, ये उसकी जॉब है, ये उसका कार्य है, टू कीप देयर टीम मेंबर्स इन हाई स्पिरिट्स, कि अपने टीम मेंबर्स को अच्छी अच्छी बातें बताएं। ठीक है, एंड ऑल्सो टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर, और उनको इस बात के लिए मोटिवेट करें कि वो पहले से कुछ अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आ जाइए ज़रा आप, लेट्स रीड पर यहाँ आ जाइए। वंस अपॉन ए टाइम, अच्छा बच्चों एक मिनट, एक लाइन और छूट गई है इसमें, ज़रा इसको भी देखेंगे, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए बच्चों। डू यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज़ लाइक डिटर्मिनेशन, ऑप्टिमिज्म एंड ए सेंस ऑफ टीम वर्क। क्या तुम ऐसे नेतागिरी वाली क्वालिटीज़ रखते हो, कैसी? जैसे डिटर्मिनेशन बोलते हैं, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, पक्का, जो तुम किसी बात के लिए ठान लेते हो तो वो करते हो। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, है ना, एंड ए सेंस ऑफ टीम वर्क, और टीम में काम करने का सेंस होना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द सेम, अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड से इसके बारे में पूछो। अब आ जाइए जरा यहाँ पर। वंस अपॉन इट, अब यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चों। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए मर्चेंट इन ए स्मॉल विलेज। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। बच्चों जहाँ जहाँ मैंने बुक में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आपको भी लिखने हैं, क्योंकि उससे जब भी आपको चैप्टर रीड करने के लिए कहा जाएगा तो आप इजीली चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, ही वॉन्टेड टू सेल हिज गुड्स इन ए फार अवे टाउन अक्रॉस द डेजर्ट टू ट्राई हिज फॉर्च्यून। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गुड्स, गुड्स मतलब सामान, वॉन्टेड मतलब चाहना, सेल मतलब बेचना। वह अपने सामान को बेचना चाहता था इन ए फार अवे टाउन अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्टी एरिया के पार, बहुत दूर किसी टाउन में, टू ट्राई हिज फॉर्च्यून, अपने भाग्य को आजमाने के लिए। मीन्स जो वो मर्चेंट था, जो वो व्यापारी था, वो अपने भाग्य को आजमाने के लिए डेजर्टी एरिया के पार किसी टाउन में बहुत दूर अपने सामान को बेचना चाहता था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड टू टेक अप हिज जर्नी अलॉन्ग विद ए फ्यू हेल्पर्स। उसने निश्चय किया कि वह कुछ सहायकों के साथ एक लंबी जर्नी करेगा। ठीक है, लंबी यात्रा पर निकलेगा। ही स्टार्टेड ऑफ एट द हेड ऑफ ए यूज कारवां। उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। कैसे? यूज कारवां, एक बड़े कारवां के साथ, बहुत सारी लोगों को लेकर, ऑफ कैमल कार्ट्स लोडेड, जिसमें कि कैमल कार्ट्स थे, लोडेड विथ फूड, वाटर एंड फायरवुड। उसमें क्या क्या भरा हुआ था? फूड था, वाटर थे और फायरवुड था, है ना। जो वो कारवां को लेकर निकला, उसमें उन्होंने क्या किस किस सामान को रखा? फूड को, वाटर को और फायरवुड को। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। द मर्चेंट रिक्वेस्टेड लोकल विलेजर। मर्चेंट ने लोकल विलेजर से ये रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की, टू गाइड देम थ्रू द डेजर्ट, कि वो उन सबको जो जो चले थे ना वहाँ पे बड़े कारवां को लेकर, उनको गाइड करेगा डेजर्टी एरिया के लिए, कि किधर डेजर्टी एरिया है। एज द डेजर्ट बिकेम सीवियरली हॉट ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दोपहर के समय डेजर्टी एरिया बड़ा गर्म होता है। ठीक है, बहुत तेज़ गर्म होता है, क्योंकि जो सूरज की धूप होती है वो बिल्कुल डेजर्ट एरिया में आती है, और वहाँ पर कहीं भी पानी नहीं होता। बच्चों आपको पता है राजस्थान में पानी की कितनी कमी होती है, वो बिल्कुल सूखा एरिया होता है, और ये इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि उस समय वहाँ पर बहुत तेज़ धूप के कारण, द विलेजर सजेस्टेड, उस विलेजर ने सजेस्ट किया, सुझाव दिया, दैट दे शुड ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट,
कि वे रात के समय ट्रैवलिंग करेंगे, रात के समय तो वो यात्रा करेंगे और दिन के समय वो क्या करेंगे अगले लाइन में मैं आपको बता रही हूँ। व्हेन द मून कूल डाउन द सैंड्स, रात के समय वो यात्रा करेंगे जबकि जो मून होगा वो रेत को ठंडी कर देगा। जब रात को चंद्रमा देवता निकलेंगे तो धूप भाग जाएगी, है ना, और जो जमीन है, जो पृथ्वी है जहाँ पर रेत मिट्टी है, वो ठंडी हो जाएगी। अब एक लाइन आगे और मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे, आ जाइए ज़रा। यहाँ पर आ जाइए, विद द अराइवल ऑफ नाइट, जब रात नहीं वाली थी, जब वो रात को रात हो गई, दे स्टार्टेड ऑन देयर जर्नी, तो उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। द विलेजर्स, उन्होंने क्या निश्चित किया था कि दिन में तो बहुत तेज़ धूप के कारण पैर जलेंगे, गर्मी लगेगी, तो हम रात को ट्रैवलिंग करेंगे जबकि मून अपनी ठंडी ठंडी मून जो है सैंड्स पर ठंडक को पहुंचाएगा, तब यात्रा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, है ना। द विलेजर सेट इन द फर्स्ट कार्ट, जो विलेजर था वो पहले कार्ट में बैठ गया, एंड गाइडेड द मर्चेंट और एंड हिज फ्रेंड्स, उस मर्चेंट को और अपने मित्रों को उसने गाइड किया बाय फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की पोजीशन को देखकर, क्योंकि जब चंद्रमा निकलता है तब स्टार्स भी निकलते हैं, तो स्टार्स को देख के उसने पता कर लिया कि अब रात का समय हो गया है, शाम का समय हो गया, अब हम यात्रा को स्टार्ट करें, तो उन्होंने रात के समय स्टार्स को देखकर अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया। इन दिस वे, इसी प्रकार से, दे वर एबल टू ट्रैवल फॉर द होल नाइट, वो पूरी रात के लिए ट्रैवलिंग करने में समर्थ हो गए, है ना, एबल मतलब यात्रा करते रहे, एंड कैंप्ड ड्यूरिंग द डे, और दिन के समय उन्होंने आराम किया, कैंपिंग लगाई, आराम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, मैनी नाइट्स पास्ड बाय दिस वे, इस तरीके से बहुत सारी रातें बीत गई। ऑन द लास्ट मॉर्निंग ऑफ द वॉयज, यात्रा के बिल्कुल लास्ट, जिस दिन लास्ट मॉर्निंग थी, द विलेजर अनाउंस्ड, विलेजर ने अनाउंस किया, क्या क्या घोषणा की, इन वन मोर नाइट, एक और रात में, वी विल बी एट द अदर साइड ऑफ द डेजर्ट, हम डेजर्टी एरिया के दूसरे किनारे पर होंगे, एंड विल बी अराइविंग टू द टाउन, और टाउन में पहुँच जाएंगे, मतलब केवल एक रात और है बाकी हम पर, एक रात में हम डेजर्टी एरिया के दूसरे किनारे पर होंगे और हम जल्दी ही टाउन में पहुँच जाएंगे। Everyone was happy to hear this. सभी लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए, as they were tired of their long journey across the desert. क्योंकि वो इस एरिया में लंबी जर्नी को पार करने से थक गए थे, ठीक है। अब उनको बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी क्योंकि वो बहुत रातों से तो चल रहे थे और दिन में आराम कर रहे थे, तो अब उन केवल एक रात बाकी रह गई थी, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई इस बात से, ठीक है। आफ्टर द इवनिंग मील, शाम के भोजन के पश्चात, द मर्चेंट केम अप विद ए सजेशन, उस व्यापारी को एक सुझाव आया, उसने एक सुझाव दिया, सजेशन मीन्स एक सलाह दी, एक सुझाव दिया, नाउ वी कैन थ्रो अवे द एक्स्ट्रा वाटर एंड फायरवुड, अब हमें जितना भी हमारे पास वाटर और फायरवुड वगैरह को हम लेकर चले थे ना, फूड को, उन सबको हमें थ्रो कर देना चाहिए, मीन्स फेंक देना चाहिए, बिकॉज टुमारो मॉर्निंग, क्योंकि अगली सुबह है, टुमारो मीन्स आने वाला कल, ठीक है, और येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, तो यहाँ पर टुमारो की बात हो रही है, आने वाला कल, आने वाली सुबह, वी शैल रीच द टाउन, हम टाउन में पहुँच जाएंगे, लेट अस नॉट कैरी द अननेसेसरी वेट, अब हमें बहुत अधिक अनावश्यक वजन को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगली सुबह तो हम पहुँच जाएंगे, जितना भी पानी, जितना भी भोजन, फायरवुड हमारे पास है, उसकी अब हमें कोई नीड नहीं रहेगी, तो उसको अब हमें थ्रो कर देना चाहिए। एट नाइट फॉल, जैसे ही रात्रि हुई, रात का समय आया, दे स्टार्टेड देयर जर्नी एज यूजुअल, पहले की तरह ही उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। एंड द गाइड टुक हिज पोजीशन इन द फर्स्ट कार्ट, और गाइड ने अपनी पोजीशन को पहली कार्ट में ले लिया, पहले भी वो पहली कार्ट में बैठ के चला था ना, क्योंकि उसे क्या करना था, आगे गाइड करना था, अहेड ऑफ द कारवां, तो उसने अपने कारवां को रास्ता बताने के लिए पहली कार्ट में पोजीशन ले ली, मीन्स पहली कार्ट में बैठ गया। बट अलास, लेकिन बहुत दुख की बात है, द गाइड वॉज वेरी टायर्ड फ्रॉम कीपिंग अवेक फॉर सो मैनी नाइट्स, कि वो जो टायर्ड मीन्स थक जाना, कीपिंग अवेक मीन्स जगने के कारण, क्योंकि जो वो गाइड था, जो आगे चल रहा था, वो बहुत रातें जगने के कारण थक गया था, एंड सून ही फेल एस्लीप, और जल्दी ही वो सो गया। देयर वॉज नो वन टू गाइड द ड्राइवर्स ऑन द करेक्ट रूट, अब उनमें जितने भी वो लोग चले थे उनमें कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं था जो कि सही मार्ग का दर्शन करा सके। नियर डे ब्रेक, अब जब दिन निकला, द गाइड वोक अप विद ए स्टार्टल,
अब जो वो गाइड था जो सबसे आगे चल रहा था, जो रास्ता दिखा रहा था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ एंड लुक्ड एट द लास्ट स्टार फीडिंग अवे इन द लाइट। और रोशनी में, क्योंकि सुबह का समय हो गया था तो सुबह के समय रोशनी हो जाती है, रोशनी में उसने एक छिपते हुए तारे को देखा। ठीक है, तारा मतलब बहुत फेड सा हो रहा था, बहुत जरा जरा सी रोशनी देखी। ही सेड टू द ड्राइवर्स स्टॉप, उसने जो सभी पीछे आ रहे थे उन ड्राइवर से बोला स्टॉप रुको, वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। इसके बाद बच्चों जरा नेक्स्ट पेज पर आएंगे। टू देयर डिसमे, इस बात से दुखी होकर यहाँ पर आएंगे ना, नेक्स्ट पेज पर, इस पर आ जाइए। टू देयर डिसमे, इस बात से दुखी, उनकी इस बात से दुखी होकर, दे हैड नो फूड और वाटर लेफ्ट विद देम, उनके पास अब कोई भी ना तो फूड था और ना ही वाटर था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग तो हम पहुंच जाएंगे टाउन में, तो अब हमें उनकी नीड नहीं है, अब हम अननेसेसरी वेट को क्यों आगे लेके चले। तो उन्होंने उसको क्या कर दिया था, थ्रो कर दिया था, दिस इज़ नो टाइम फॉर मी टू ग्रीव। अब वो कह रहा है कि अब मेरे लिए ये दुखी होने का समय नहीं है, आई हैव टू फाइंड वाटर, अब हमें कहीं पानी की तलाश करनी चाहिए, पानी को खोजना चाहिए। द कैमल्स कैन नॉट स्टार्ट अनलेस दे गेट वाटर टू ड्रिंक, अब कैमल्स आगे नहीं चल सकते थे, क्यों? क्योंकि अब पीने के लिए पानी नहीं था, थॉट द मर्चेंट, मर्चेंट ने सोचा। द मर्चेंट देन गैदर्ड ए फ्यू हेल्पर्स, तब उस मर्चेंट ने कुछ हेल्पर्स को, कुछ सहायकों को इकट्ठा किया, गैदर किया, एंड लेफ्ट द कारवां इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और भोजन और पानी की तलाश में कारवां के साथ चल दिए। ही सडनली स्पॉटेड ए ग्रीन पैच, अब देखो यहाँ पर आ जाओ आप, यहाँ पर इस वाले पार्ट को देखिए। ही सडनली स्पॉटेड ए ग्रीन पैच ऑफ ग्रास एंड थॉट, उसने एक हरे पैच को देखा, घास के हरे पैच को देखा, एंड थॉट, और सोचा देयर मस्ट बी वाटर समवेयर बिलो, यहाँ कहीं ना कहीं पानी है, अदरवाइज दिस ग्रास कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, नहीं तो यहाँ पर ग्रास कैसे सर्वाइव करेगी, अगर ग्रास होगी तो उसे पानी देना होगा, और ग्रास अगर यहाँ पर है तो निश्चित रूप से यहाँ पर पानी होगा। ही देन ही एंड हिज मैन स्टार्टेड डिगिंग द पैच, ही आ रहा है यहाँ पर उस मर्चेंट के लिए, उस मर्चेंट ने और उसके साथ जो वो पूरा कारवां था ना, जितने लोग चले थे, उन्होंने उस पैच को डिग करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर मच टॉयल, और बहुत अधिक मेहनत के बाद, स्ट्रक केयर ऑफ, एक चट्टान वहाँ से स्ट्रक हो गई, उन्होंने एक चट्टान को खोद दिया। द मर्चेंट बेंट डाउन, अब वो मर्चेंट को झुका, एंड प्रेस्ड हिज ईयर टू द रॉक, और उसने अपने उस रॉक में ईयर को लगा के सुना। ही कॉल्ड देम, उसने उन सबको बुलाया, आई कैन हियर वाटर रनिंग अंडर दिस रॉक, मैंने यहाँ पर इस रॉक के अंदर कुछ आवाज़ को सुना है, पानी की आवाज़ को सुना है, ठीक है, जैसे कि पानी चल रहा हो, रनिंग अंडर दिस रॉक वाटर, ठीक है, वाटर को चलते हुए सुना है। वी मस्ट नॉट गिव अप, हमें इस बात को छोड़, हमें अब अपनी उम्मीदों को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। टेकिंग ए शॉवल, शॉवल बोलते हैं बच्चे फावड़े को, इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक फावड़े को लेकर, ही स्ट्रक द रॉक विद ऑल हिज माइट, उसने अपनी पूरी ताकत से उस रॉक को स्ट्रक कर दिया, तोड़ दिया। द मर्चेंट वॉज फिल्ड विद होप, वो जो व्यापारी था वो पूरी आशा के साथ भर गया, अब उसे उम्मीद होने लगी कि यहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा। ईच टाइम द शॉवल स्ट्रक द हार्ड रॉक, हर समय उन्होंने फावड़े को जैसे जैसे उस हार्ड रॉक में स्ट्रक किया, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ दैट द नेक्स्ट स्ट्रोक वुड ब्रिंग अप वाटर, कि अगली स्ट्रोक से जब वो अगली बार फावड़े को मारेगा तो वो उसमें से पानी आ जाएगा। ही रिफ्यूज टू गिव अप, अब उसने हार नहीं मानी, एंड केप्ट हिज अप हिज स्पिरिट्स, और अब उसे कुछ आशाएं होने लगी। सीइंग हिम, उसको देखकर, उसको किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, हिम किसके लिए आ रहा है, उसे मर्चेंट को देखकर। द अदर्स ऑल्सो वर्क हार्ड, उन दूसरों ने भी वर्क करना शुरू कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों, अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाइए, इस वाले पेज पर, पेज नंबर 37 पर। अल्टीमेटली अचानक निश्चित रूप से द रॉक ब्रोक डाउन, वो चट्टान टूट गई, क्योंकि जब बार बार उसको स्ट्रोक किया गया तो वो टूट गई, एंड द होल
बिलो वॉज ब्रीमिंग विद वाटर, और जो उसमें जो सुरंग था वो उसका जो पूरा किनारा था वो पूरा पानी से भरा हुआ था, उसमें से पानी गिरने लगा। दे प्लेस ए फ्लैग नियर द वाटर होल, प्लेस मतलब यहाँ पर लगाने से है, उन्होंने उस वाटर होल के पास जहाँ से पानी आ रहा था उस रॉक के पास में, उन्होंने एक फ्लैग को प्लेस कर दिया, जैसा कि आप बच्चों यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख रहे हो, ये फ्लैग लगाया ना उन्होंने यहाँ पर, ये वाला फ्लैग, उस फ्लैग को उन्होंने प्लेस कर दिया पहचान के लिए, है ना, सो दैट अदर पासिंग ट्रैवलर्स वुड ऑल्सो फाइंड द वाटर, जिससे कि वहाँ से गुजरने वाले सभी यात्रियों को वहाँ पर पानी मिल सके। आफ्टर सनसेट, सूरज के छिपने के बाद, दे स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन, उन्होंने अपनी यात्रा को फिर से स्टार्ट कर दिया, एंड रीच द टाउन इन द मॉर्निंग, और सुबह मीन्स मॉर्निंग में टाउन में पहुँच गए। दे सोल्ड द गुड्स एट ए ह्यूज प्रॉफिट, उन्होंने अपने सामान को बहुत अधिक प्रॉफिट पर बेचा, एंड हैप्पीली रिटर्न टू देयर विलेज, और गांव में बड़ी खुशी खुशी वापस आ गए। तो बच्चों ये मैंने आपको चैप्टर 4 द सैंडी रोड समझाया, बड़ी अच्छी स्टोरी है, आपको समझ में आ गई होगी, और आपको वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं इसके जैसे जैसे मैंने लिखवाए हैं, स्टोरी को बार बार पढ़ना है। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या मोरल है इस स्टोरी का, कि हमें कभी भी अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ना चाहिए, अगर हमारे पास होप है तो हम हर काम कर सकते हैं, ठीक है, हम किसी लक्ष्य को लेकर चले कि हमें उस टाउन में पहुंचकर अपने गुड्स को सेल करना है, अपने सामान को बेचना है, तो उन्होंने किया, वो पहुंच गए, जबकि क्या हुआ, एक समय पर आकर वो निराश हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए, उम्मीद को बनाए रखा, तो उम्मीद को बनाने से क्या हुआ, वो समय पर अपने प्लेस पर पहुँच गए। तो बच्चों चलिए अब मैं इसका आपको बुक वर्क करा दूँ, इसके बुक वर्क में बच्चों केवल एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर ए, इसको ध्यान से समझेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, द मर्चेंट डिसाइडेड टू गो टू द फार अवे टाउन टू, दो जो व्यापारी था उसने बहुत दूर कहीं जाने का निश्चय किया, टाउन टू किसी गांव में, क्यों क्यों निश्चय किया, प्राइज फॉर्च्यून अपने भाग्य को आजमाने के लिए, मीट हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से मिलने के लिए, या बाय गुड सामान खरीदने के लिए। तो बच्चों आपने स्टोरी में पढ़ा प्राइज फॉर्च्यून अपने भाग्य को आजमाने के लिए। इसके बाद आ जाइए नंबर 2, इसमें ए वाला ऑप्शन को टिक करेंगे और बच्चों यहाँ पर फिल भी करेंगे, ओके। नंबर 2, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रैवल अक्रॉस द डेजर्ट ओनली, डेजर्टी एरिया में, डेजर्टी एरिया को पार करने में वहाँ पर पहुँचने तक कैसे पॉसिबल था वो यात्रा करनी, इन द इवनिंग शाम के समय, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, या इन द नाइट रात के समय। तो आपने पढ़ा वो यात्रा कब करते थे, रात के समय करते थे, तो यहाँ पर सी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और यहाँ पर इसको फिल भी करेंगे, है ना बच्चों। उन्होंने क्या सोचा था कि दिन के समय तो वो कैंपिंग करेंगे, आराम करेंगे, और रात के समय वो अपनी ट्रैवलिंग करेंगे, ठीक है, जबकि मून और स्टार्स उनको दिखाई दे जाएंगे। नंबर 3, फॉर द जर्नी, अपनी यात्रा के लिए, द मर्चेंट लोडेड द कैमल कार्ट्स विद, मर्चेंट ने अपने जो कैमल कार्ट्स थे, जो ऊँटों को लेकर चला था, उसमें किस किस चीज़ को लोड कर लिया था, फूड, नंबर 1 राइस एंड दाल, नंबर 2 फूड एंड फायरवुड, और नंबर 3 फूड फायरवुड एंड वाटर। तो बच्चों आपको पता है तीनों चीज़ लेकर चले थे वो, फूड फायरवुड एंड वाटर। तो यहाँ पर हम 3rd नंबर को सी वाले को टिक करेंगे और इसमें यहाँ पर हम फिल भी करेंगे। इसके बाद नंबर 4, ईच टाइम, हर समय, द शॉवल स्ट्रक द हार्ड रॉक, उसने जो फावड़े ने उस हार्ड रॉक को स्ट्रक किया, उस पर चोट मारी, तो क्या हुआ वहाँ पर, द मर्चेंट वॉज फिल्ड विद होप, मर्चेंट होप से भर गया था, उसको आशा होने लगी थी, द मर्चेंट वॉज फिल्ड विद डिस्पेयर, उसको निराशा होने लगी थी, उसने अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया था, या फिर द मर्चेंट वॉज फिल्ड विद एंगर, या वो गुस्से से भर गया था मर्चेंट। तो बच्चों आपने इस चैप्टर में पढ़ा ये वाला ऑप्शन, इसमें ठीक है, द मर्चेंट वॉज फिल्ड विद होप, जो व्यापारी था वो पूरी उम्मीदों से आशा से भर गया था। तो हमने इसमें यहाँ पर ए वाले को टिक कर दिया और यहाँ पर इसको फिल भी कर दिया। तो बच्चों आई थिंक आपको अब बुक वर्क भी समझ में आ गया होगा, संग संग आपको बुक वर्क भी करते हुए चलना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर मैं आपको कॉपी वर्क भेजूंगी, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।